कितनी बढ़िया लग रही है। ये कृष्ण जी की मूर्ति, ये राजा का ही था ना, वैसे इतने बड़े बड़े कपड़े कैसे पहनते थे यार। खुद सुंदर है ड्रैगन, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कावेंच एंड प्रिंस व्लॉग्स। सो आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हैं। सो यार ऊपर खड़े था थोड़ा। सो आज हम जा रहे हैं क्राफ्ट म्यूजियम, दिखाते हैं आपको। लोग फोन में बिजी रहते हैं, क्या करते हो भाई फोन में? शक्ल देख ले अगर मेरी, टाइम पास हो जाएगा तेरा, इतनी सुंदर शक्ल है। तो चलो यार चलते हैं। सो यार अब हम आ गए हैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से फटाफट हम चलेंगे अब राजीव चौक। रहा भाई राजीव चौक से फिर चेंज करनी है हमें यार, ये मारेगा। तो राजीव चौक चलेंगे और न्यू दिल्ली का स्टेशन यार चलते हैं आगे देखेंगे। हम यहाँ पहुँच गए हैं प्रगति मैदान पे और किसी की वजह से हम बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे। हाँ भाई सब कुछ कहना आप। तो चलो यार फटाफट चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा म्यूजियम है, फटाफट पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं आपको। पहुँच गए हैं क्राफ्ट म्यूजियम। क्राफ्ट म्यूजियम, तो ये है इनका फ्रंट गेट। चलते हैं अंदर देखते हैं क्राफ्ट म्यूजियम में क्या क्या देखने को मिलता है हमें। और ये माश है जिन्होंने आज इतना घुमवाया है। हाँ जी ओके, मुझे लगा कह रहे हैं कैमरा नहीं अलाउड। चलो भाई देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है अंदर। चलिए अमीश बाहुबली बच्चे की तरफ यहीं से लेके गए थे क्या, है ना? काफ़ी सुंदर है यार जेमिस, मुझे लगता है उस टाइप का है वो, जो पहले नहीं होते थे वो, जैसे उसमें दिखाई है पूजा होती थी। देखो ऊपर मूर्ति लग रही है कि नहीं? राजा का तो नहीं है लिख रहा। नहीं 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 राजा भाई पूछ के जाया करो, जाना कहाँ से? बैग जमा करने हैं, बैग सबमिट करने हैं। ये है क्राफ्ट म्यूजियम। हमीशी क्या है? किन्हाल की गुड़िया, किन्हाल टॉल्स। वीडियो नहीं बना सकते ठीक है। मुखोटे, ये सारे मास्क है। कैमरा है। तो भाई ये शेषनाग जी का प्रवेश दिखा रखे यहाँ पे, काफी अच्छा है। इस साइड और थोड़ा थोड़ा का फर्क बना रखा है। कुंभकार की कला ये सारा। ये क्या माला है? ये क्या पैरों में पहनने की कुंड, वो क्या कहते हैं उसे पे? पायल। ये भी पायल, ये भी पायल, ये भी पायल, पायल। ये उनका वो दिखाया होगा लाइफस्टाइल जिस तरह रहते थे, है कि नहीं? देखो द क्ले वर्क ऑफ सरगुजा छत्तीसगढ़, ये सारा क्ले से बना हुआ है, बहुत बढ़िया। ये है तेलंगाना स्कूल, ये सारी पेंटिंग है जो इसके ऊपर बनी। अमीश
देखिए सारी पेंटिंग है जो इसके ऊपर बनी हुई है, ये सारा कपड़े के ऊपर। फिर कैसे बनाते हुए बाबू जी का फड़ राजस्थान से, पिछले वाली तो तेलंगाना से थी, जो पिछले बनी हुई थी ना वो तेलंगाना से थी, ये राजस्थान से। ये क्या अमीश? नागाट नागालैंड से, नागा कला तो ये होगा। सारे हैं, ये सारे सेम ही है, घोड़े वाला भी है, डिजाइन है। चप्पल कौन बनाएगा? लोहे की होती होगी ना पहले के टाइम में, जहाँ की भी होगी। ये क्या है यार? ये वो कोने में गन ऐसी थोड़ी होगी, छर्रा सा, छर्रा कहाँ है? ये तो शंख है सारे नीचे वाले, लास्ट के दो स्टोरेज के लिए कुछ है। ये वो तो नहीं अफीम रखने के लिए, कुछ भी रख लो उसमें। ये बॉक्स हो गए छोटे छोटे, चले कौन से डबल फेस, अब सही है। सब अकेले थे ना, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, काफ़ी सुंदर बनाई है। है क्राफ्ट कर रखी है, काफ़ी अच्छी बनाई हुई यार। मेरे किशन जी भी है, किशन जी की ड्राइंग बहुत बढ़िया है। वस्त्र विधि, बहुत बढ़िया बना रखी है। और ऊपर देखो लगा रखा है झूमर, हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन इंडिया, भारत में वस्त्र का इतिहास। है ना सुंदर? वही मैं भी सोच रहा था कितना बारी कौन पहनता होगा। ये साड़ी होंगी सारी, ब्यूटीफुल। हाँ मतलब का उनका ही मटेरियल है यार। नहीं अच्छी जगह यार, फैमिली के साथ आने की जगह है कि नहीं? काफ़ी सुंदर जगह है ये। देखिए सारे पुराने डिज़ाइन हैं जो पहले होया करते थे, बढ़िया डिजाइन है। जमदानी बहुत बढ़िया, यहाँ की लाइट नहीं जली, वाह यार जल गई। तो भाई यहाँ पे सारे में ऑटोमेटिक लाइट्स लगाई गई हैं जिससे लाइट्स की वेस्टेज ना हो। ये देखो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। चलिए चलते हैं बाहर, दिखाते हैं आपको और। सो ये देखो यार, ये कुछ और डिज़ाइंस हैं यहाँ पे। बेसिकली ये देखो, ये साड़ी के ऊपर प्रिंट है, साड़ी में शॉल है, साड़ी है तो अभी तक सारे साड़ी वगैरह के शॉल थे, अब आपको दिखाते हैं थोड़े मेंस डिज़ाइंस। ये देखो अभी तो ये घाघरा वगैरह प्रॉपर, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखो और इससे आगे हैं ये सारे मेन डिज़ाइंस। ये देखिए ये शेरवानी होगी, और ये राजा का ही था ना, वैसे इतने बड़े बड़े कपड़े कैसे पहनते थे यार, हद है। ये देखो और ये पगड़ी, ये सारे डिजाइन है ठीक है ना मिश? बहुत बढ़िया। ये देखिए कुछ और है,
जो इस टाइप से खुल जाते होंगे पूरे, उन्होंने लगा रखा होगा फुलकारी। ये तो यार ये रखने के पॉकेट्स पर्स वगैरह। ये राजस्थानी टर्बन 20th century की, और ये है 20th century की सेम टर्बन है राजस्थानी सिख वे ब्रोकेड। ये डिजाइन देख है ना, बहुत सुंदर डिजाइन है यार यहाँ पर अभी तक, बहुत ही बढ़िया। ये देखो स्पेशली, ये देखो कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया सारा, बहुत बढ़िया तरीके से लग रहा है। जैसे ये देखो, ये इसका नॉर्मल खुद के पैर, और ये दूसरे पैर दिखा रखे हैं यहाँ पे। सो यार यहाँ का सबसे बढ़िया चीज़ मुझे यही लगी, क्योंकि यहाँ पे इतने बढ़िया तरीके से डिज़ाइन है। ये देखो बुद्धा जी की मूर्ति, बुद्धा की है ना। ये देखो हमें बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं हुआ इनका नाम, ये तो बताते हैं आपको, काफ़ी सुंदर बनाए हुए हैं। ये देखो ये देखो कितनी सुंदर मूर्ति है, हमेशा ये देख कितनी सुंदर है, ड्रैगन। सोचा राखी कहता पहले के जो राक्षस है उनका इतना बड़ा मुंह होता होगा, तो हाइट जितना तो मुंह है हमेशा। चल आगे देखते हैं मोर, ये क्या हमेश भगवानों की मूर्ति पहले की है ना। तो ये देखो ये पर। सो गाइस इससे आगे करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू, बिकॉज अगर एक साथ डालता तो काफ़ी लंबी वीडियो आती। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।